फ्रेंड्स वाली नई वीडियो मैं इसके अलावा कि कैमरा सेटिंग यूज़ कैसे करते हैं बताऊंगी। फ्रेंड्स मेरे पास है और माइक्रोमैक्स का फोन फ्रेंड सही से रुका। सबसे पहले आपका कैमरा ओपन करना है। कैमरा ओपन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आता है। फोटो के और ये वाला ऑप्शन दिखता है, टाइमर का ऑप्शन होता है 3 सेकंड 10 सेकंड अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। कैमरा टाइमर होता ही, अगर आप इस पर वापस इस पर क्लिक करें तो आपका कैमरा टाइमर ऑफ हो चुका है। 10 सेकंड 3 सेकंड अपने हिसाब से एड कर सकते हैं। फोटो के सेटिंग में क्लिक करते हैं तब आपको दिखता है पिक्चर साइज गाइडलाइंस एंड उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंट से फोटो क्लिक कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ दिखता है कैमरा साउंड और फ्रेंड्स जो फोटो क्लिक करते साउंड होता है वो। एंड रीस्टार्ट सेटिंग क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। इसका मतलब होता है कैमरा को रिसेट करना है। कैमरा में कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार रिसेट करके सॉल्व हो जाता है। एंड इसके बाद ब्रोकर इस ये वाला ऑप्शन दिया गया है। एंड वीडियो का ऑप्शन दिया गया है तो वीडियो की सेटिंग में इससे वही होता है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार रिसेट कर देंगे और मतलब रिसेट करते होकर जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर ब्यूटी कैमरा का ऑप्शन है, स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन है। अगर आपका फ्रंट कैमरा है तो आपको जो स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन दिखेगा वो आप नहीं दिखेगा देख सकते। अगर बैक कैमरा है तो स्लो मोशन वीडियो का ऑप्शन रहेगा। एंड फ्रंट कैमरा की फोटो बहुत अच्छी होती है देख सकते। एंड इसी तरीके से आप लेंगे तो आप देख सकते हैं कि फोटो क्लिक कर लिया मैंने। एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कैमरा सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड बैक कैमरा भी बहुत अच्छा आता है वैसे। एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कैमरा सेटिंग यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ नई वीडियो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स तब तक नमस्कार।